मैं शाम को ही कपड़ा धो रही हूँ क्योंकि आज है सैटरडे, कल है संडे, तो मेरे पास जो है टाइम नहीं मिलता संडे को। तो ये मेरा मटर, इतने का पकौड़ी नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा डालूंगी मटर डाल के, अभी सीजन है तो इतना है, इतना में तो बहुत अच्छा सा मटर की पूड़ियाँ बन जाएंगी। बट आज दाल भिगो के मैंने सुबह से ही रखा था, सुबह टाइम नहीं मिल पाया। एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी, टाइम हो गया है गुड इवनिंग वाला। तो रात का अभी कितना बज रहा है? आठ 15 हो रहा है। तो एक्चुअली मैं सुबह में ही सोची थी कि चावल पे बनाऊं, लेकिन नहीं बना पाई। और मेरे हस्बैंड स्कूल चले गए थे तो आने में टाइम हो गया, और गाड़ी की सर्विसिंग भी करवानी थी तो किसी वजह से नहीं बना पाई। काफ़ी लेट से आए, नाश्ता भी वो बाहर ही करके आ चुके थे। तो हम लोग ने सोचा कि चावल पे बनाऊंगी, लेकिन नहीं बना पाई। तो शाम को मैं क्या करती हूँ कि बना रही हूँ इसको दाल पीस के। नॉर्मली जो बस अभी बनाते हैं, मेरे पास प्याज है और आलू मटर डाल के मैं पकौड़ियाँ बना दूंगी। और क्या करना है, बच्चे मेरे बहुत शौक से खा लेंगे, सॉस है ही, है ना? रोटी भी खाना है या फिर पकौड़िया ही खाना है? पकौड़ी खाना है। पकौड़ी खाना है। तो मैंने जानबूझ के मैं ये वाला टाइम चुनती भी हूँ। पता नहीं, पापा को पूछ ले। नहीं, ये डैडी ही मटर छीले हैं। मटर मैं खुद नहीं छीलती हूँ क्योंकि वो बहुत बहुत, मतलब क्या बोलूँ, अनोइंग सा लगता है मुझे बैठ के इतना देर तक मटर छीलना। तो ये खाली समय मैं उनको दे देती हूँ, कुछ बात करते रहते हैं और मटर छीलते रहते हैं। तो मैं पहले इसको ग्राइंड कर लूँ। और बच्चे मेरे काफ़ी मस्ती करें, और ठंड के मारे देखो मेरा, मतलब टोपा मैंने यहाँ पे लगा के रखा है पीछे, सब जो भी है। मैं थोड़ा तैयारी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मुम्मू उसके माकूल कहीं पर गाना गा दो। इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रहा है जैसा कि आप मुम्मू का ये वाला, ऐसे ही तो करो ना, एक तरफ आप करें, आप क्योंकि ये रूबी को दिखाना है, स्कॉट दिखाना है, छोटी रूबी। देखो ये स्कॉट ना, वो दिन भर पहनी रहती है। क्या चीज ये, क्या है, दाल लगा ली, क्या चीज, इसको भिंगा ली, भिंगा ली। गरम लग रहा है ना, जैसे कितनी बड़ी है मेरी बेटी, योगा कर रही है। नहीं करो योगा, 10 कपड़ा पहनी है तब तुम ऐसी लग रही हो। मुकाबला गाओ, आपको पता है मेरी बेटी ये कौन सा गाना गा रही है? और यहाँ पे आईना कितना गंदा जैसा लग रहा है ना। थर्मस में पानी नहीं है, थोड़ा सा है। बन गया? नहीं, अभी इसको पीसना है। मैं जा रही हूँ आज शाम को, ये चना का दाल भिगो के रखी हूँ, और मेरे हस्बैंड जी ने हेल्प कर दिया है, मटर छील के रखे हैं। तो मैं पकौड़ी बनाऊंगी, पकौड़ी क्या बोलते, पकौड़ी ना, हाँ बड़ी वही पकौड़ी ही, कचौड़ी तो आटे वाला होता है। पकौड़ी बनाने जा रही हूँ।
मैं जो है इसी में ये चने का दाल, लहसुन, जीरा, गोल मिर्च और मिर्चा, मिर्चा अपने फैमिली के हिसाब से लिया क्योंकि बच्चों को इतना नहीं पसंद पड़ता है तीखा, दो लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा तीखा है, तो सब इसको पीस लूँगी, इसका एक पेस्ट बनाऊँगी इसी में पकौड़ी बनाने के लिए। प्याज मैंने डाल दिया है, मैं थोड़ा कैमरा ऊपर करके करती हूँ। आलू को मैंने जैसे क्या बोलूं, मेरी पलक को बिल्कुल नहीं पसंद है मटर, मटर बिल्कुल भी नहीं, तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी सीजन है तो मटर डाल के ही बनाओ, तो मैंने इसमें डाला है मटर, प्याज और आलू को बारीक काट लिया है, दिख रहा है जैसे नॉर्मली सभी बनाते हैं वैसे ही मैं बना रही हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है और लोगों को लगेगा अरे यार ये क्या बता रही है, ये तो पकौड़ी है, बट मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ या कुछ भी करती हूँ आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। और बच्चे जो है इधर मस्ती कर रहे हैं, और जितनी भी चीज़ है वो सारे मैंने मसाला जो था जो नॉर्मली जीरा गोली पड़ता है वो तो मैंने डाल ही लिया, तो बस मुझे तलना है और खाना है। कुछ लोग मुझे खबक्कर भी बोलते हैं और कुछ मेरे अपने ही लोग रिसेंट में ही मुझे पता चला है। एनीवे तो मैं तो भाई जीने के लिए नहीं खाती हूँ, मैं खाने के लिए जीती हूँ। तो जिन लोगों ने भी मुझे बोला है मैं बता दूं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, कि मैं तो बस खाने के लिए जीती हूं, खाना मुझे बहुत पसंद है और ऐसा नहीं कि जैसे तैसे मैं खा लूं, मैं थोड़ा सा ही चीज़ खाती हूं बट टेस्टी मुझे बहुत पसंद है। खाने के लिए तो सभी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ खाती हूँ, बट सबकी अपनी अपनी लाइफ है, कोई कैसे रहता है कोई कैसे रहता है। अब किसी को मुझसे अगर प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको तो मैं बदल नहीं सकती। अरे हाँ मैंने तो ये बताना भूल गया, ये मैंने चावल का आटा मिला लिया है क्योंकि मेरे पास था, अगर चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा कुरकुरा टाइप का हो जाता है। और मैंने पार्टी में एक पकौड़ी खाया था, वो कुछ ज़्यादा ही कुरकुरा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कुरकुरे कैसे हैं, तो किसी ने बताया कि इसमें अरारोट डाला हुआ है, तो अरारोट डाल के मैंने कभी कोई चीज़ नहीं बनाया है, इनफैक्ट मैं नाम सुनी हूँ और पाउडर टाइप का होता है, मैंने ऐसे पर्सनली देखा भी नहीं है कि अरारोट कैसा होता है। तो अगर आप लोग सच में अरारोट डाल के पकौड़ियाँ बनाते हो और कौन कौन बनाता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्या वो खाने में तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर मुझे सच में नहीं पता कि अरारोट डाल के बनता है या नहीं बनता है, तो जो लोग बनाते होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर, और बनता है कि नहीं बनता ये भी बताना। तो फिलहाल मैं तो चावल का आटा ही डाल के बना रही क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल है चावल का ही आटा जो कि मैं घर से लेके आई थी, और उस दिन पीठा भी बनाया था, अभी ख़त्म होने वाले हैं तो थोड़े से हैं, जो जो चीज़ बना सकती हूँ बना लूँगी। तो अभी मैं गैस ऑन करके अपना पकौड़ियाँ तलती हूँ क्योंकि फिर काफ़ी रात हो जाएगा, तो फिर ये बोलेंगे ब्लॉग बनाने के चक्कर में यार लेट हो गया। तो मैं पहले तेल गरम करती हूँ मैं अपने कढ़ाई में, और मस्टर्ड ऑयल में ही मैं बनाऊंगी।
ये दो मिर्चा देख रहे हैं, इसको ऐसे ही मैं ना अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। उनको उन्होंने बोला है कि मिर्चा का इसी में एक बना दो। तो एक और एक ये दो, इनको मिर्चा का पकौड़ी खाने का बहुत शौक है। हालांकि मैंने अलग से नहीं बनाया, इसी में तल दिया दो मिर्ची का पकौड़ी। मुम्मू कहाँ बैठ गई है? कहाँ बैठ गई है? मेरा एलिफेंट शेप। सॉस के साथ ठीक है। कैसा लगा के? हम जा रहे हैं बनाने। तुम्हें तो इंसोम्निया है, रात को 7 घंटे से कम ही सोते हो ना? अरे सुनो ना पलक पलक, इसको दूसरे प्लेट में दे दो। दुकान के बाहर कमा लेता है, पता क्यों? क्योंकि सारे परेशान करती।